श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, आज पटना ही नहीं, पूरा देश, पूरा दुनिया श्री राम के नाम से गूंज रहा है, समझे कि नहीं। और गूंजना चाहिए, बहुत पहले गूंज जाना चाहिए, लेकिन चलिए, दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर अभी भी कोई राम मंदिर का विरोध करते हैं तो समझिए बहुत बड़ा फड़ुआ है वो, समझे कि नहीं। बोलिए, लिखिए कमेंट में जय श्री राम। आज सही में, आज 22 जनवरी, आज भाई बहुत गर्व वाला बात है, समझे कि नहीं। अभी तो फिलहाल पटना में ही है, अभी 3-4 जुलूस में पार्टिसिपेट किए हैं, समझे कि नहीं। ये चौथा जुलूस है, और ये भी अब चलने, मतलब सब चलेगा, नॉन स्टॉप चलेगा, रात भर चलेगा कंटिन्यू, समझे कि नहीं। पर आज घर भी जाना है, तो अभी आधा घंटा में यहाँ से फ्री होकर निकलते हैं घर के तरफ, क्या कि गाँव में भी बहुत भयंकर अटजाम हो रहा है, और एक और गाँव में आज एक प्रोग्राम है, समझे कि नहीं। एक भैया है, उन्हीं का तिलक है, तो गाँव वाला बात है, रहना तो पड़ेगा, तो वहीं चलते हैं, शाम तक पहुंचेंगे। अब चलिए देखते हैं रास्ता में क्या क्या होता है, सब आप लोगों को दिखाएंगे, है कि नहीं। चलिए, वाह परवा, इतना खाती है जी, गजब खाती है सर। और देखिए, भंडारा जगह जगह पे चल रहा है, समझे कि नहीं। तो हम भी थोड़ा सा भंडारा में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, थोड़ा सा पूरी कचौड़ी बुनिया खा लेते हैं। वैसे भी आज रूम पे खाना नहीं बनाया, समझे कि नहीं, तो यही सही रहेगा, खा के उसके बाद फिर निकला जाए। और चलिए ना, हो जल्दी, देख रहे एकदम पूरा रेडी शेडी हो जाए। एगो हेलमेट यहाँ पे है, एगो हेलमेट यहाँ पे, इसको भी लगाएंगे रास्ता में, जब चलते हैं रास्ते में तो दो को हेलमेट लगा के चलते हैं। और चल रहे घर, समझे कि नहीं। पूरा सामान वामान पैक है, गाड़ी भी तैयार है, और मेरे साथ DSP साहब भी तैयार है। ओ चलाना, अरे गजब गजब खतरनाक एक्सीडेंट हो गया भाई। ये वो एक्सीडेंट होता क्या है, उसके कारण पूरा जाम लग जाता है, देख रहे हैं। आज तक कभी नहीं इस पर जाम लगा था, पर आज जाम लग गया एक्सीडेंट। ये सब देख के जो है ना, सही में बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम मिजाज तंदुरुस्त हो जाता है, समझे कि नहीं। पूरा रास्ता सजाया हुआ है, सब अपना घर सजाया हुआ है, और आज पहले जो लोग सब दिवाली मनाता है ना, उससे भी खतरनाक सब आज दिवाली मनाने जा रहा है, समझे कि नहीं। एकदम गर्दा मचा दिया हुआ है, वाह। देखिए, अभी 1 घंटा के सफ़र के बाद अभी पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे, चाय नाश्ता पानी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर यहाँ से चलेंगे घर के तरफ। घर पहुंचने में अभी कम से कम लगेगा 2 घंटा, समझे कि नहीं। पूरा एकदम मुंह कान एकदम चोक टाप लिए हैं, और क्या बताएं, एकदम पूरा रास्ता एकदम राम नाम से गूंज रहा था, समझे कि नहीं। चारों तरफ अपने अपने घर पे, तो अपने अपने घर पे लगाया हुआ है झंडा, एकदम हवा लगा रहा है चारों तरफ, एकदम गाना बज रहा है, भंडारा चल रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया सब कुछ हो रहा है, समझे कि नहीं। और देखिए क्या किस्मत है, अभी घर से हम लोग 30-35 किलोमीटर दूर है, और क्या हो गया है, गरियबा बंद हो गया है, देख रहे हैं, क्या नसीब आ गया, अभी ठेल के ले जाना पड़ रहा है, तो बताइए। लेकिन ये है कि आगे मंदिर है, तो आस बन रहा है कुछ कुछ होने का, नहीं चालू हो रहा है, गरियबे बंद हो गया, खराब हो गया। हाँ स्टार्ट हो गया, बैठिए, रुकिए, चलिए चलिए चलिए, फैन बंद हो गए, फैन बंद हो गए, फिर बंद हो गया, हे भगवान क्या करें हम। गुंडा SP साइन बेकार किए, SP साइन ले लिए, हमको लेना चाहिए था बुलेट, वो नहीं बंद होता, ये आज बंद हो गया। देख रहे हैं ना कैसे सब एकदम गर्दा मचाया हुआ है, दिवाली मना रहा है, तो शुक्र मनाइए भगवान का, प्रभु श्री राम का, कि गरियाबा ठीक हो गया है, ऐसे भी घर पहुंच गए हैं, तिलक में पार्टिसिपेट भी कर लिए हैं, और अब भोज भात खाया जाए। तो इसमें खराब वाला क्या बात है, क्या अपना क्या खराब वाला क्या बात है, वही ना, अब भोज चल रहा है, तिलक में हम लोग पटना से आए थे, 600 किलोमीटर दूर से आए हैं, 600 किलोमीटर बोल रहे हैं, 600 रुपया खर्च करके तो नहीं खाएंगे, 60 रुपया के तो कैसे कम किलोमीटर बताइए तो पहले, बाप रे भाई, इतना कहीं आदमी खाता है। हम तो खा लिए, बाकी बात जो भी नहीं खाया है सबको खिला देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं सोने, क्योंकि वैसे भी 12 बज गया हुआ है, और कल सुबह सुबह राम नाम का जाप करना है, तो 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं।